दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम ससुराल को अपना घर क्यों नहीं समझती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। घर का कोई काम ठीक से नहीं करते। ये देखो मार्केट से आई सब्जियां ज्यों की त्यों पड़ी हैं। वह देखो कोने में झाड़ू ठीक से नहीं लगाई और धुले कपड़े अभी तक नहीं फैलाए। अपना घर ही नहीं समझती इसे कुमु जी बहुत देर से बोलती जा रही थी और सामने बैठे ललित जी अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। बीच बीच में कुमु जी की बातें सुन मुस्कुरा देते क्योंकि उनके लिए ये रोज की बात थी। उधर मुंह फुलाए बैठी मयक अपनी सांस दोबारा सुनाई जा रही तानों को सुनकर आग बबूला हो रही थी। परेशान हो उसने अपने पति विशाल को फोन लगा दिया और आज के सब घटनाक्रम को सुनाने लगी। पर विशाल ने ड्यूटी में दखल ना देने का ये फोन रख दिया। अगले दिन रविवार का अवकाश होने से विशाल घर पर ही था। रोज की तरह फिर से कुमुद भी शुरू हो गई। ये देखो दूध गर्म नहीं किया अभी तक। बर्तन वैसे पड़े जब से काम वाली मांस कर गई है। इतना भी नहीं होता कि जमा दे उन्हें। और ये क्या रोटियां में घी नहीं लगा कर रखा। ये घर तुम्हारा भी है मैं कितनी बार समझती क्यों नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करती थी। बस कभी कभी जानबूझकर कुछ कामों को अधूरा छोड़ देती थी कि उसकी सास ये बसे हुए काम कर ले। दोनों को ही पता नहीं एक दूसरे से क्या परेशानी थी जो दिन पर दिन बस सिर पाले जा रही थी। रोज रोज की सीख सीख से तंग आ विशाल ने सभी को बोल दिया कि मैं अपना अलग इंतजाम कर रहा हूँ इसलिए आज के बाद कोई लड़ाई ही नहीं होगी। आप दोनों की ललित जी ने एक शब्द नहीं कहा और कुमुद जी गुस्से में बोली जो दिखाई दे सो करो। ये मत सोचना कि तुम खास कर बहू के बिना मेरा कोई काम रुकेगा। और मुंह मरोड़ते हुए सब्जियां धोने लगी। मयक भी कहाँ शुभ रहने वाली थी बोली देखना कैसे और कितने अच्छे से घर चलाती हूँ। कहते हुए अपनी पैकिंग में व्यस्त हो गई। अगले दिन दोनों अपने नए किराए के घर में रहने आ गए। शुरू के 10-15 दिन तो मयक को कई सालों के बाद मिली आजादी की तरह लगे। अपने हिसाब से बनाना खाना उठना बैठना और घंटों फोन पर बात करना। लेकिन धीरे धीरे वह इन सब से बोर होने लगी। उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता। सब्जी लेना हो या आटे दाल का इंतजाम सब उसे ही देखना पड़ रहा था। एक दिन पूरा फैला हुआ घर देख इतना परेशान हुई कि अपना सारा गुस्सा विशाल पर निकाल कर रोने लगी। विशाल उसे शुभ करते हुए बोला देखो मैं समझ रहा हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो थकान की वजह से तुम इतना कुछ बोल गई। लेकिन घर तो तुम्हारा है तो तुम्हें वो व्यवस्था रखना होगा। मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मैं साकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जितना हो सकता है बाजार वगैरह का काम निपटा देता हूँ मयक ने कहा। अब मुझे भी समझ आ गया कि सालों की मेहनत से जमाई गृहस्थी कितनी आसानी जी मम्मी जी ने मुझे सौंप दी। तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं ठीक से घर की देखभाल करूं। जबकि उनके रहते मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी बल्कि व्रत पूजन के दिन भी पूजा वगैरह की तैयारी भी वो ही करती थी। या तो मेरे किसी काम में मदद करने वाला कोई नहीं। उधर को मुझी को भी एक एक दिन पहाड़ सा प्रतीत होता। खाना वगैरह में उनका मन ही नहीं लगता था। एक दिन ललित जी बोली जब से मयक शादी करके आई थी बहुत स्वादिष्ट खाना समय पर देती थी। अब तो शरीर में इतनी हिम्मत नहीं कि अकेले पूरा घर संभालू। मैं भी सोच बैठी थी कि सारी जिम्मेदारी उस पर डाल निश्चय हो जाऊं पर इतनी जल्दी तो मैं भी माहिर नहीं हुई थी।
घर के काम काज में तो आज के जमाने की बहू से कैसे उम्मीद कर ली कि सारा कुछ वही देखेगी। सुनिए ना सलते मना कर ले आते दोनों को। ललित जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो नहीं ताने मारोगी उसे। देखो हर चीज को अपने हिसाब से डालने में वक्त तो लगता, उसे भी समय दो। धीरे धीरे उसे खुद से सब समझ आने लगेगा कि कहाँ क्या करना। चलो तैयारी हो जाए। दोनों को वापस लेकर आते कुमोजी और ललित जी पहुँच जाते मयक और विशाल के पास। वह क्या देखते हैं कि दोनों सारा सामान पैक करे। कुमोजी घबराते हुए बोले, अब क्या शहरी छोड़कर जा रहे हैं दोनों। तभी मग दोनों को देखकर खुश होते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, हम तो हमारे घर जा रहे, तुम्हारे मायके जा रही हूँ। अब की बार विशाल बोला, मेरी प्यारी मम्मी आपकी बहू अपने ससुराल जाना चाहती हैं। कुमोजी की तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई। मग के पास जाकर बोली, हम भी तो तुम्हें लेने ही आए थे वापस अपने घर। सलो बहू, क्योंकि वह घर मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है। मयक भी आंखों में भर आंसुओं को बहने से रोकते हुए बोली, अब से आपको शिकायत नहीं होगी मम्मी जी। नहीं मयक बेटी, हम दोनों तो समझदारी से अपना घर संभालेंगे, कुमुजी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ललित जी अब की बार भावुक हो मुस्कुरा उठे।